ईरान ते अमरीका विचकार चल रही तकरार उत्ते हर किसी की नज़र बनी हुई है। ईरान ने अमरीका द्वारा अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की कीति हत्या का बदला लेना शुरू कर दिता है। कासिम सुलेमानी की हत्या तो बाद ईरान ने सब तो पहला अमरीका के फौजी टिकाणिया ते हमला कर दिता सी। यह फौजी टिकाने इराक विच मौजूद सी ते बीते दिन ही हमला ईरान द्वारा मिजाइलों राही किया गया सी, जिस ईरान ने तकरीबन 80 लोगों को मारन का दावा जताया सी। ईरान की इस कार्रवाई तो बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सब ठीक है, असी जानी नुकसान ते जायदाद दे नुकसान का मुलांकन कर रहे हैं, साडे कोल दुनिया की सब तो मजबूत फौज है। खबरों मुताबिक जेकर गल करिए तो ईरान ने अमरीका नूं धमकी भी दिती सी ते कहा सी कि जेकर हुण अमरीका किसी भी तरीके नाल पलटवार करता है तो फिर हुण युद्ध होवेगा। ईरान ते अमरीका विचकार चल रही तनावपूर्ण स्थिति ने आम लोगों ते काफ़ी असर पाया है। दोहां देशों विचकार चल रही तकरार कारण इराक विच रहन वाले लोगों ते काफ़ी असर पै रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक इराक विच रहन वाले पंजाबी ते होर नागरिक काफ़ी सहमे हुए ने, क्योंकि अमरीका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ते हमला भी इराक विच ही किया सी ते पलटवार करदियां ईरान ने भी अमरीका दे इराक विचले अड्डियां नूं निशाना बनाया सी, जिस तों बाद लोगों दे विच डर दा माहौल बनिया होया। ईरान वालों भी अमरीका नूं सीधी धमकी देण तों बाद लोग सहमे हुए ने ते उधरों अमरीका ने भी अपने कोल दुनिया की सब तो मजबूत फौज होण दा दावा करन ते भी लोगों वालों क्या सराइयां लगाईयां जा रही ने कि शायद तीजा युद्ध हो सकता है। ईरान वालों भी अमरीका नूं सीधी धमकी देण तों बाद लोग सहमे हुए ने ते उधरों अमरीका ने भी अपने कोल दुनिया की सब तो मजबूत फौज होण दा दावा करन ते लोगों वालों क्या सराइयां लगाईयां जा रही ने कि शायद तीजा विश्व युद्ध हो सकता है। भावें अजे तक ईरान ते इराक ते अमरीका विच कोई माड़ी घटना वापरन संबंधी खबर नहीं आई है, पर फिर भी लोगों वालों तीसरा विश्व युद्ध होने का खदशा जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रंगला टीवी।